जय जय नर नारायण देव, जय जय नर नारायण देव, जय जय नर नारायण देव, जय जय नर नारायण देव। नर नारायण देव अवतार कल्याण मस्तु। नमस्कार, मैं माँ हूँ, माँ भारती, वह पुण्य भूमि जहाँ सुर नर मुनिवर एवं देवताओं ने जन्म लिया है, एक ऐसी धरती जिसका मंगल वेद शास्त्रों की ज्ञाता गाते हुए नहीं थकते। मैं विश्व कल्याण की धरोहर हूँ, मेरी गोद में सनातन संस्कृति की स्वर्णिम विरासत पली है, सकल विश्व में मेरी अनूठी पहचान है, क्योंकि यह गौ गंगा एवं गायत्री की भूमि है। धर्म ज्ञान मोक्ष भक्ति विज्ञान योग तत्वदर्शन और सर्व विद्याओं का लालन पालन मेरे सीने पर हुआ है। स्वयं ईश्वर और भगवती के श्री चरण से मेरी मिट्टी पावन हुई है। संतगण ऋषिगण परमात्मा एवं अवतारों की प्रागट्य भूमि होने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरी इस पुण्य धरा पर प्रकट हुए महापुरुषों का स्मरण करते हुए अस्मिता और गौरव से मेरा शीश नभमंडल को छूने लगता है। आज मैं ऐसी ही एक कथा का आरंभ करती हूँ जो धर्मराज के साथ साथ प्रथम मनुष्य अवतार एवं मेरे अधिष्ठाता देव नरनारायण देव से जुड़ी हुई है। कथा सदैव मंगलम। युगों पहले की बात है, जब महर्षि धर्मराज भगवान महादेव शिव की महातपस्या में लीन थे। उनकी कठोर तपस्या देखकर देवलोक में भय एवं संदेह की कालिमा छाने लगी। देवराज इंद्र गहरी चिंता में डूबे थे। इंद्रदेव को लगा कि किंचित धर्मराज की तपस्या का उद्देश्य मेरे इंद्रासन को प्राप्त करना तो नहीं है। तभी इंद्र ने वर्धिनी अप्सरा को उनकी तपस्या का भंग करने के लिए भेजा। अंततः वही अप्सरा तपस्वी धर्मराज के शील एवं धर्म प्रभाव के कारण उनकी तपस्विनी शिष्या बनकर रह गई। महात्मा धर्मदेव की इतनी कठोर एवं आत्मसंयम से परिपूर्ण तपस्या को देखते हुए देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए। एक दिन प्रातः काल में महात्मा धर्मदेव के सामने स्वयं शिवजी प्रकट हुए। प्रसन्न वद कल्याण भाव के साथ पशुपति नाथ ने कहा कि हे धर्मदेव, हे महानर, हे पुण्यात्मा, तुम्हारी इसी पुण्य तपस्या के कारण यह स्थान धर्मारण्य के नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं भी यहां पर धर्मेश्वर के नाम से शाश्वत काल तक प्रकट रहूंगा। धर्मदेव की इच्छा के अनुसार इस पवित्र स्थान पर धर्म बावड़ी का निर्माण हुआ, जहां लोग पाप रोग एवं पितृ दोष से मुक्त होकर परमात्मा की उपासना करते थे। कथा है कि तत्पश्चात धर्मारण्य में महात्मा धर्मदेव और मूर्ति देवी की पावन निश्रा में 18,000 ब्राह्मण अनुष्ठान यज्ञ आदि पुनित कर्म से लाभान्वित होते रहे। इसी स्थान पर 24 गोत्री वशिष्ठ विश्वामित्र आदि ऋषियों के द्वारा अपनी अपनी अधिष्ठात्री योगिनी देवियों की स्थापना हुई। सृष्टि के नियंता पालक और नाशक त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव ने स्थान पर धर्मदेव पर अपनी कृपा दृष्टि के साथ कामधेनु गाय अर्पण की थी। नारायण देव अवतार का।
यह वो स्थान है जहां इंद्र देव ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए तपस्या का आरंभ किया था और देवाधिदेव महादेव के वरदान से यहां पर इंद्रेश्वर महादेव की स्थापना हुई थी। किंतु सुख एवं साधना की इस भूमि की चंद्रमासी कांति को आसुरी शक्ति का ग्रहण लगा। वह त्रेता युग का काल था। लोहासुर नामक एक असुर ने इस स्थान के सौंदर्य को पूर्णतः नष्ट कर दिया। सारे ब्राह्मण यहां से पलायन हुए। वीरान और भग्न स्थान को देखते हुए ब्रह्मा जी ने धर्मारण्य तीर्थ की भव्यता को पुनः वापस लाने का निर्धार किया। पुनः जीर्णोद्धार के हेतु इस स्थान उन्होंने सरस्वती की पावन धारा को प्रकट होने का आदेश दिया और फिर इस भूमि को सरस्वती के पावक जल ने पवित्र किया। यह देख ब्रह्मा पुत्र धर्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उन्हें प्रतीक्षा थी कि धर्मारण्य तीर्थ की यह भूमि पुनः नवपल्लवित और समृद्ध बने, तपस्या के योग्य बने। वह त्रेता युग का समय था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने धर्मारण्य की धरती पर प्रवेश किया। लोहासुर के कहर से नष्ट हो चुकी तीर्थ भूमि की अवदशा को देखकर प्रभु श्री राम गहरी सोच में उतर गए। रघुकुल वंशज श्री राम संध्या स्नान के बाद साबरमती तट पर ध्यान मग्न थे। तभी राघव को इस क्षेत्र में किसी नारी का रुदन सुनाई दिया। श्री रामचंद्र जी ने विलाप कर रही इस नारी को रुदन का कारण पूछा तो नारी ने बताया कि लोहासुर दानव के पीड़न से इस नगरी के सभी नगरवासी पलायन हो चुके हैं। दशरथ नंदन सियावर राम, आप राजा के रूप में स्वयं परमेश्वर ही है। आपका कर्तव्य है कि आप यहां प्रजा का पुनर्वास करवाएं। श्री राम ने देवी के वचन सुनकर इस धर्मारण्य तपोभूमि पर तुरंत हजारों ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। हरि पुकारे तो कोई अभागा ही होगा जो दौड़ा न चला आए। तत्पश्चात इस धरती की प्रासादिकता नवपल्लित हुई, मुखरित होने लगी। श्री राम जी ने ही उस देवी को इस स्थान की अधिष्ठात्री देवी होने का दायित्व सौंपकर इस स्थान पर भद्रकाली के नाम से स्थापित किया, जो आज भी भद्रकाली के नाम से सुप्रसिद्ध है। इस घटना के कुछ ही समय पश्चात दक्ष प्रजापति ने अहिंसा, मूर्ति आदि अपनी 13 पुत्रियों का विवाह धर्मदेव के साथ संपन्न किया। तो आइए चलते हैं धर्मदेव के पास, जिन्होंने धर्मारण्य को अपना निवास स्थान बनाया, हिमालय की गोद में तपस्या की। श्वेत तारा कल्प के वैस्वत मनवंतर के प्रथम सतयुग में यह पावन स्थान पर धर्मदेव और मूर्ति देवी ने मिलकर 12,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। आप लोगों की श्री तपस्या से मैं संतुष्ट हूं। बोलो क्या वर दूं? हमें आप जैसे दो तेजस्वी पुत्र प्रदान करें। तथास्तु। और फिर उसी वरदान को सार्थक करते हुए धर्मदेव और मूर्ति देवी के नेत्र से 16 साल की उम्र के किशोर मूर्ति नर नारायण देव का साबरमती नदी के किनारे धर्मारण्य क्षेत्र पर प्राकट्य हुआ। भरत खंड
धन्य हुई इस पावन धरा, जहां आज भरत खंड के अधिष्ठाता देव का प्राकट्य हुआ। दशो दिशाएं शंखनाद से पावन हुई। देव देवियां, यक्ष, गंधर्व एवं अप्सराओं ने अमरावती नगरी के पवित्र कुसुमों से पुष्प वर्षा करते हुए इन दोनों स्वरूपों का अभिषेक किया। आप स्वयं ही कल्पना कीजिए, कैसी थी वो धन्य क्षण, कैसा होगा वो दिव्य योग। अद्भुत है आपकी साधना हे मां मूर्ति, कृपा करके हमें इस प्रागट्य का हेतु बताएं। हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हे पुत्र, हम क्या कहें आप दोनों से, आप दोनों हमारे जीवन प्राण हैं। इस संसार की कल्याण हेतु का और आपकी महा तपस्या की कामना करती हूँ। तो क्या हमारे लिए तपस्या का आदेश है? क्यों नहीं पुत्र, जिस प्रकार हमने तपस्या के माध्यम से संसार को निर्मल बनाने हेतु साधना की, उसी प्रकार आप भी भरत खंड की प्रजा के मोक्ष हेतु तपस्या करें। जो आज्ञा पिताश्री, अवश्य करेंगे। जब तक यह सूर्य मंडल और नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, जब तक यह संसार अपनी गति में चक्रमान रहेगा, तब तक हम हिमालय के निश्रा में बद्रिकाश्रम स्थान पर कठोर साधना एवं तपश्चर्या का यज्ञ चालू रखेंगे। आपकी कृपा बनी रहे। आज भी बद्री वन में बेर के वृक्ष के तले नर एवं नारायण देव भरत खंड की प्रजा के कल्याण हेतु तपस्या कर रहे हैं। पुत्र की यह साधना को साथ देते हुए हिमालय के मार्ग पर तीर्थ धाम देव प्रयाग में माता मूर्ति देवी और पिता धर्मदेव भी तपश्चर्या में निमग्न है। धन्य है यह परिवार। आइए अब चलते हैं उस स्थान की ओर जिसे नरनारायण देव की प्राकट्य भूमि होने का सौभाग्य प्रदान हुआ है, धर्मारण्य क्षेत्र, जिसके समीप बहती है साबरमती। तो आइए इस पुण्य भूमि के अतीत का दर्शन करें। हजारों साल पूर्व की यह कथा है। अर्बुदाचल पर्वत पर महर्षि कश्यप महातपस्या कर रहे थे। देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि को मन वांछित फल की कामना करने को कहा। हे देवाधिदेव, हे महादेव, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो हे देव, इसी स्थान पर गंगा प्रकट हो, यही मेरी एकलौती कामना है। हे विप्रवर, तथास्तु। मैं गंगा की एक अमूल्य धारा को यहां से प्रवाहित कर लूंगा, जो सतयुग में कृतवती, त्रेता में गिरिकर्णिका, द्वापर में चंदना और कली में साबरमती के नाम से प्रसिद्ध होगी। कल्याण मस्तु। नदी कुंड से प्रकट होकर कपाल मोचन कुंड से बहती भगवान शिव के द्वारा भेजी गई गंगा की पावन धारा आगे चलकर सप्त धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिसे आज भी साबर, श्वेता, बकुला, हिरण्यमयी, हस्तवती, वेत्रवती और भद्रामुखी के नाम से जानी जाती है। और आगे चलकर सातों धाराएं साबरमती की विशाल धारा में विलीन हो जाती है। अनेक तीर्थों को तीर्थत्व देती हुई साबरमती का पालेश्वर तीर्थ तो देखिए। यहाँ योगमाया की पीठों की स्थापना का प्रासादिक और मनोरम दर्शन प्राप्त होते हैं। यह धर्मारण्य क्षेत्र, जिसे हम नारायण घाट नाम से जानते हैं, यह वही स्थान है जहाँ महर्षि कश्यप, वामदेव, गौतम, मैत्रेय, धर्मदेव एवं दधीची आदि ऋषियों ने कठोर तपस्या करके ईश्वर की आराधना की थी। भगवान महादेव का वरदान था कि साबर गंगा के इसी किनारे नर नारायण रूप परमात्मा की स्थापना होगी।
मैं स्वयं उस वरदान के सत्य होने की सौभाग्यशाली क्षण का इंतजार कर रही थी। और आखिर एक समय की बात है, ये क्या, ये कैसा अनादर है मेरे जैसे महर्षि का? किसी ने अभी तक मेरा अभिवादन तक नहीं किया, ये स्वीकार्य नहीं है। इस घोर अपमान को मैं कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। क्या सोच रखा है आप सभी ने? इस अपमान का परिणाम सबको भुगतना होगा। मेरी इस उपेक्षा के लिए मैं आप सभी को शाप देता हूँ कि मृत्युलोक में जन्म लेकर शत्रुओं से पीड़ित हो और सभी के सभी महान कष्टों का सामना करो। क्षमा करे ऋषिवर, हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। हम सभी प्रभु श्री नरनारायण देव की दर्शन कथा में तल्लीन थे। हे ऋषिवर, कृपया करके हमें क्षमा कीजिए। आप वास्तव में महान है। आपकी पूजा और अर्चना करने से अनेक जन्म के पापों का नाश होता है। महात्मा, आपके चरणों में पुष्प समर्पित करने से मन हृदय और पवित्र बन जाता है। मेरा मन तो शांत हुआ है, किंतु अब मैं निसहाय हूं। अपना दिया हुआ शाप मैं वापस नहीं ले सकता, इसीलिए आप सभी को भूमंडल पर जन्म तो अवश्य लेना होगा, किंतु आने वाले कष्टों में सहाय देने के लिए स्वयं भगवान परब्रह्म नरनारायण परमात्मा आप दोनों द्वारा धरातल पर अवतरित होंगे और आप दोनों को कष्टों से मुक्त करेंगे। तथास्तु। धन्य हो ऋषिवर, धन्य हो, धन्य हो ऋषिवर, धन्य हो, धन्य हो ऋषिवर, धन्य हो। और इसके कुछ ही समय पश्चात अयोध्या के निकट छपैया गांव में मूर्ति देवी ने और गोरखपुर के निकट इटार गांव में धर्मदेव ने जन्म धारण किया। इन दोनों के विवाह के पश्चात भगवान स्वामी नारायण के नाम से परब्रह्म परमात्मा का इस तरह धरातल पर प्रागट्य हुआ। बचपन में घनश्याम नाम से उन्होंने माता पिता की हर एक भावनाओं को परिष्कृत किया। बाल प्रभु ने पिता धर्मदेव से चारों वेद से लेकर तमाम शास्त्रों और तत्व दर्शन का केवल 11 साल की उम्र तक अध्ययन संपन्न किया। आखिर 11 साल की उम्र में अषाढ़ शुक्ल दशमी की मध्य रात्रि बीत जाने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने घर संसार को छोड़कर नीलकंठ वर्णी नाम धारण करके सारे विश्व को अपने परिवार के रूप में अपना लिया। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा 12,000 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, असम के जंगल और दक्षिण के समुद्र तट तक, यात्रा के प्रमुख धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर धाम के बाद नीलकंठ के चरण गुजरात के द्वारिका के पास लॉज गांव में थमे। यहां उन्होंने अपनी तपो यात्रा को समाप्त किया। अपने गुरुदेव रामानंद स्वामी के पास दीक्षा लेने के बाद और आरंभ किया समाज सुधारणा का महाअभियान। 500 परमहंसों के साथ समर्पित हरिभक्तों का ऐसा वृंद उन्होंने तैयार किया कि तत्कालीन ब्रिटिश राजनैतिक अग्रसरों तक उनकी यशोगाथा की गूंज गूंजने लगी। वह समय था 18वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों का। मेरी इस धरती पर ब्रिटिशरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अपना शासन स्थापित कर दिया था। तो आइए अंधकार युग को बदलकर प्रकाश युग का
एवं नवजागृति का कालखंड प्रस्थापित करने वाले भगवान स्वामीनारायण के समय की उन ऐतिहासिक घटनाओं तक, जहां से विश्व में स्वामीनारायण संप्रदाय के सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा था। मंदिर निर्माण का बीज कैसे बोया गया था, आइए श्रीपुर अहमदाबाद की धरती पर, जहां कलेक्टर एंड्रॉप श्री हरि की दर्शन मुलाकात के लिए पधारे हैं, इस मंगल क्षण को निहारिए। हेलो, नमस्कार। आइए आइए, हमारे संत और हरि भक्तों की सभा में आपका स्वागत है। मैंने बहुत सुना था आपके बारे में, आपके सामाजिक कार्य को भी देखा था। आज पता चला कि स्वामीनारायण खुद अहमदाबाद में आए हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको भी धन्य है कि आपने भगवान स्वामीनारायण के कार्यों का ठीक तरह अध्ययन एवं मूल्यांकन किया। जो आँखों से देखता है उसके लिए एग्जामिनेशन क्यों करेंगे? गांव गांव घूमते हैं तो पता लग जाता है कि आपने लोगों को पशु में से मानव बना दिए। आपको रिक्वेस्ट है कि क्यों ना आपका आश्रम यहाँ पर बनाए। ऐसे बड़े नगर में आश्रम निर्माण की भावना आपकी बहुत अच्छी है, परंतु ऐसी बड़ी भूमि हमें दान में भी तो मिलनी चाहिए। जितनी भी जमीन चाहिए मैं आपको देने का प्रॉमिस करता हूँ। 99 इयर्स के लिए तो अभी कार्यवाही हो सकती है। यदि आश्रम निर्माण की बात होती तो कोई बात ही नहीं होती, परंतु हम यहाँ महान मंदिर निर्माण करने की सोच रहे हैं। क्या आप हमें यावत चंद्र दिवाकर लिखकर भूमि दान कर सकते हैं? ठप है, पर मैं ट्राई अवश्य करूंगा। आई हैव टू प्रोसीड फॉर द सेम टू क्वीन विक्टोरिया। बहुत बढ़िया, आप अवश्य कोशिश करें। या व्हाई नॉट। भगवान स्वामीनारायण को भूमि दान के लिए कोशिश करने का वचन देकर कलेक्टर एंड्रॉप ने ब्रिटेन तक क्वीन विक्टोरिया को भगवान स्वामीनारायण के बारे में विस्तार पूर्ण ब्यौरा दे दिया। कुछ ही महीनों के बाद श्रीहरि गढ़पुर पहुंच चुके थे, तभी एक दिन एक हरिभक्त दौड़ते हुए श्रीहरि के पास आ पहुंचे। स्वामी जी, मंदिर निर्माण का कार्य कहां तक पहुंचा आपको कुछ पता है? नहीं पता हो तो आप पता कीजिए और आगे बढ़िए। जय हो महाराज, आपकी जय हो। अरे कुबेर सिंह जी, आप आइए, श्रीपुर से क्या समाचार लाए हैं? महाराज, अंग्रेज अधिकारियों ने महारानी विक्टोरिया के द्वारा दस्तखत किए हुए दस्तावेज आपके चरणों में कृष्ण अर्पण किए हैं। श्रीपुर के भक्त समुदाय में आनंद की लहर दौड़ उठी है। बस मंदिर निर्माण के लिए आपके आदेश की ही प्रतीक्षा है महाराज। ये तो बहुत ही सुंदर समाचार है कुबेर सिंह जी, बुलाइए आनंदानंद स्वामी जी को, बुलाइए। आइए साधुराम, क्या आपने अहमदाबाद के भूमिदान की खबर सुनी? जी महाराज, खबर तो बहुत ही अद्भुत है और रोमांचकारी भी। सही कहा आपने साधुराम, समाज की सेवा करना, कुप्रथाओं से उनको निजात देना, सदाचार की स्थापना से सभी का परिवर्तन करना, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। सही कहा महाराज, किंतु रोमांच इसीलिए है कि श्रीपुर अहमदाबाद के सर्वोच्च अधिकारी कलेक्टर एंड्रॉप ने मंदिर निर्माण के लिए हमें 100 एकड़ से भी अधिक श्री भूमि महारानी विक्टोरिया से दिलवाने का वचन दिया है। महाराज, ये सभी आपकी कृपा और आपके कार्यों का ही चमत्कार है। तो क्यों ना जल्दी से इस महान कार्य का आरंभ करें? आप व्यवहार कुशल हैं, स्थापत्य शास्त्र के जानकार भी हैं, एक सुंदर कलात्मक और स्थापत्य शास्त्र के अनुसार धर्म भक्ति उपासना के धाम समान मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करें। वहां हम भरत खंड के अधिष्ठाता देव श्री नर नारायण भगवान की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। धन्य है महाराज,
समस्त भारत भूमि में आज तक किसी भी धार्मिक संप्रदाय ने इन मूर्तियों का प्रतिष्ठापन नहीं किया है, वही आपकी आज्ञा से अब होगा। और इस प्रकार कलेक्टर सर एंड्रॉप आदि अंग्रेज अधिकारियों ने महारानी विक्टोरिया के द्वारा दस्तखत किए गए 100 एकड़ से अधिक श्रीभूमि के कागजात मंदिर निर्माण के लिए दिए। अहमदाबाद के कालोपुर क्षेत्र में इस भूभाग पर निर्माण कार्य का आरंभ कर दिया गया। स्वामी आनंदानंद जी की तो बात ही क्या, वे हमेशा मंदिर निर्माण के कार्य में डूबे रहते थे। संतों द्वारा की जा रही सेवा भी अनन्य थी। बैलगाड़ियों पर आ रहे इडर के पत्थरों को खींचकर मंदिर तक लाने वाले हरिभक्त बड़े भक्ति भाव से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का अहम हिस्सा बन चुके थे। सब कुछ श्रीजी कृपा से निर्विघ्न से पूर्ण हुआ और देखते ही देखते संवत 1878 फाल्गुन शुक्ला तृतीया सन 1822 का वह पवित्र दिन निकट आ ही रहा था। स्वयं श्रीहरि प्रतिष्ठा के मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद की धरती पर आ चुके थे। भगवान ने जब नर और नारायण की प्रतिमा का पहली बार निरीक्षण किया तब स्वयं बोल उठे थे कि मंदिर के प्रमाण में दोनों मूर्तियों का कद छोटा है। यह सुनकर उपस्थित संतगण चिंतित हो उठे। तब भगवान स्वामी नारायण ने कहा, संतो, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी आप सभी से आज्ञा है कि आज ही डूंगरपुर के लिए निकलिए और शिल्पियों से कहें कि आप जहां मूर्ति घड़ रहे हैं उसी खेत की पूर्व दिशा में ईशान कोने पर वरखेड़ा के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी खुदाई करने पर आपको दो तैयार मूर्तियां मिल जाएगी। ये मूर्तियां 5000 वर्ष पहले जमीन में सुरक्षित रखी गई हैं और इन मूर्तियों की महिमा अपरंपार है। स्वामी महाराज, यदि समय है तो हमें इन मूर्तियों के इतिहास से अवगत करने की कृपा करिए प्रभु। तो सुनिए स्वामी, यह कथा कृष्णावतार से जुड़ी है। एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण बद्रिकाश्रम पधारे थे। वहां उन्होंने अपने ही स्वरूप नैष्टिक व्रतधारी नरनारायण स्वरूप के दर्शन किए। उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि समग्र भारत खंड में नरनारायण युगल देव का एक भी मंदिर नहीं है, अतः उनका भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा और इन दोनों स्वरूपों की मूर्तियों की स्थापना करवाऊंगा। परंतु अधर्म के संहार के कारण भगवान श्री कृष्ण के लिए मंदिर निर्माण के कोई संयोग उपस्थित नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने तैयार की गई अनुपम मूर्तियों को रथ में रखवाकर शिल्पियों के नगर डूंगरपुर भिजवा दिया। साथ साथ में सूचना भी दी कि इन मूर्तियों को इस तरह संजोकर रखना ताकि कहीं से भी खंडित ना हो। आप अभी संतों को तुरंत भेजिए उस स्थान पर जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जिसकी रचना करवाई थी। ऐसी दो मूर्तियां 5000 वर्ष से हमारी ही प्रतीक्षा कर रही हैं। सभी संत इस अद्भुत गाथा को सुनकर आश्चर्य मुग्ध थे। स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हुए तुरंत ही संत मंडली डूंगरपुर के लिए रवाना हुई। सभी संत शिल्पियों के साथ उसी स्थान पर जा पहुंचे जिसका स्वयं श्री हरि ने संकेत दिया था। जब संतों ने शिल्पियों के साथ उसी खेत में खुदाई शुरू करवाई तो आश्चर्य का अंबार लग गया। अति सुंदर, मनोहर, दिव्य दो मूर्तियां आंखों के सामने देखते हुए संत और शिल्पी आनंद विभोर हो गए। दो ऊंटों पर दो मूर्तियां रखवा कर अहमदाबाद की ओर रवाना कर दी गई। परंतु यह क्या, इतनी दूरी केवल एक रात में उन्होंने तय कर ली थी?
भोर होते ही मूर्तियां लेकर ऊंट मंदिर के दरवाजे पर उपस्थित थे। यह एक लीला थी जो मेरे श्री हरि ने रची थी। भगवान स्वामीनारायण ने नरनारायण देव की मूर्ति को एक टक निहारते हुए अपने अश्लेष में ले लिया। बस इसी के साथ धूमधाम से प्रतिष्ठा विधि की तैयारियां शुरू हो गई। नरनारायण देव की पावन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का शाही सम्मान ब्रिटिश अधिकारियों की ओर से इस तरह किया गया कि सारे नगर में 100-100 तोपों की सलामी के साथ इस ऐतिहासिक महोत्सव की गूंज सुनाई देने लगी। तत्कालीन कलेक्टर सर एंड्रॉप और ब्रिटिश अधिकारियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति दिख रही थी। चार वेदों के विद्वान, 108 भूदेवों के पुरोहित पद पर, अहमदाबाद शहर के साधु संत नगरपति पदाधिकारी, शास्त्री पुरानी एवं और भी अनेक दिग्गजों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान स्वामीनारायण ने दोनों प्रतिमाओं को अपने आश्लेष में लेते हुए अपने कर कमल से भरतखंड के अधिष्ठाता नरनारायण नाम से दो अनुपम मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। आज एक अध्यात्म विरासत की धरोहर श्री हरि के वरद हस्त से राष्ट्र और भक्त समुदाय के लिए लोकार्पित हुई। वह पवित्र दिवस था संवत 1878 फाल्गुन शुक्ला तृतीया सन 1822। सुनिए स्वयं श्री हरि ने भगवान श्री नरनारायण देव की कैसी अनुपम महिमा कही थी उस समय। आज इस महामंदिर में हमने स्वयं अपने हाथों से हमारे स्वरूप समान श्री नरनारायण देव की प्राण प्रतिष्ठा की है। आप सभी भी मुझ में और नरनारायण स्वरूप में कभी भी अंतर मत समझना। श्री नरनारायण देव की इन प्रतिमाओं में निवास करके हम सभी भक्तों के सारे शुभ मनोरथों की पूर्ति करेंगे। 5 दिन तक चले इस महान प्रतिष्ठा उत्सव में श्री हरि के आदेश अनुसार 26 फरवरी को कांकरिया सरोवर के किनारे पर शहर एवं आसपास के सैकड़ों भूदेवों की 84 का अद्भुत आयोजन किया गया ताकि समग्र देवी देवताओं की भी परितृप्ति हो। आज देश और विदेशों में नगर एवं गांवों में मंदिरों की ध्वजाएं लहरा रही है। भागवत धर्म का जयकारा गूंज रहा है। उस सारी आध्यात्म चेतना की जड़ है भगवान स्वामीनारायण के द्वारा इस मंदिर की नींव में रखी हुई प्रथम निर्माण शिला। सुनिए एक सत्संगी हरिभक्त ने खींचकर मंदिर में स्थापित किए गए और स्वयं श्री हरि द्वारा जिसे आश्लेष में लिया गया था उस प्रासादिक स्तंभ के संस्मरण से जो स्तंभ आज तक की सारी इतिहास गाथा का साक्षी रहा है। मैं वही सौभाग्यशाली स्तंभ हूँ जिसे भगवान स्वामी नारायण के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा इस अनुपम भव्य हवेली की निर्माण गाथा को, जहां के प्रत्येक स्तंभ, झरोखे, कमान, पुतलियां, द्वार, खिड़कियां, हर जगह कलाकृति की अमर विरासत विराजमान हो रही थी। काष्ठ की नक्काशी जिसमें भारत के स्वातंत्र संग्राम के इतिहास को भी तराशा गया है, आज भी काष्ठ की यह अनुपम हवेली सारी दुनिया में यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद की गौरवपूर्ण कृति में सर्वप्रथम स्थान पर दैदीप्यमान है। यहीं से हेरिटेज वॉक का आरंभ होता है। आज यही हवेली अहमदाबाद की पहचान बनकर संतों की कला का परचम लहरा रही है। इसी मंदिर के व्यवस्थापन में भगवान स्वामी नारायण ने अपने दत्तक पुत्र अयोध्या प्रसाद जी को सौंपा गया। उन्हीं की परंपरा में धर्म धुरंधर आचार्य श्री केशव प्रसाद जी महाराज, धर्म धुरंधर आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रसाद जी महाराज, धर्म धुरंधर आचार्य श्री वासुदेव प्रसाद जी महाराज, धर्म धुरंधर आचार्य श्री देवेंद्र प्रसाद जी महाराज, धर्म धुरंधर आचार्य श्री तेजेंद्र प्रसाद जी महाराज,
वर्तमान आचार्य धर्मधुरंधर 1008 श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज, तो आज उन्हीं के अनुगामी पुत्र लालजी महाराज श्री व्रजेंद्र प्रसाद जी महाराज उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं। जय स्वामी नारायण। जय जय नर नारायण देव।